बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से आज से मैं उमरा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ और 12 बजे आज मेरी फ़्लाइट है। एयरसियाल से जाएंगे आप लोग। तो मेरे साथ मेरे बड़े ही अच्छे और प्यारे दोस्त अब्दुल साहब बैठे हुए। अब्दुल साहब ने भी दुआओं की दरख्वास्त की और ये पीछे दो मेरे बेटे जो बैठे हैं इनसे पूछे जरा ये दुआएँ क्या करा रहे हैं। हाँ जी उमर, आपने क्या दुआ करानी है? क्या बन जाओ? स्पाइडरमैन। तो बस ये सुन ले बच्चों की दुआएं, वो इंसान नहीं बनना चाहते, स्पाइडरमैन बनना चाहते। तो इंशाल्लाह ताला इसी ब्लॉग में मैं सारी जर्नी आपसे आज लाहौर से जद्दा तक की शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग हो गई है और हम प्लेन में जा रहे हैं। एयर से आल के साथ हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है। ये नया है, मतलब नया लिया, लीज हुआ होगा। हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और अब हम अपनी बस में सवार होने के लिए खड़े हैं। कुछ देर में बस में सवार होंगे और इधर से मक्का मुकरमा रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे दोस्त जो मेरे साथ आए थे उनके अभी सामान की तलाशी हो रही है, तो वो जैसे बाहर आएंगे तो फिर हम निकल पड़ेंगे नेक्स्ट बस की तरफ। और मौसम जद्दा का आमतौर पर इतना अच्छा कभी भी नहीं होता, गर्मी होती है इस टाइम पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत प्यारा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार माहौल बना हुआ, ज़बरदस्त।
जद्दा एयरपोर्ट पे आके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ करता था कि आपको अपनी बस ही नहीं मिलती थी, लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट ने इतना कमाल काम किया है कि ये साहब जो है और बाकी और बहुत से ये रजाकार खड़े हुए इधर हमें गाइड कर रहे हैं कि हमारी शिरका कौन सी है, कंपनी कौन सी है जिसकी बस में हमें जाना है। लोग बैठे हैं और अब हमें फ्री सिम दी जा रही है, ये साहब जो है हमारे से हमारे गोटे लगवाएंगे आप पासपोर्ट की कॉपियाँ लेंगे। भाई साहब ये मेरी सिम आई इतिहास ये साहब हमारी सिम ले फ्री देते हैं इनकी, आप देख लीजिए चेहरा पहचान लें, जब भी आएंगे आपको मुफ्त सिम दे देंगे।